और चलिए अब सीधे रुक करेंगे संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं। कंडक्टर की गाड़ी चल रही थी कल अविश्वास की। इनकी पार्टी के अध्यक्ष कमलनाथ जी कहते हैं कि सदन में भाजपा की बकवास सुनने नहीं जाता मैं। कल हमने देखा कांग्रेस का अविश्वास था, उसको ही उनने बकवास मान लिया, सुनने ही नहीं आए। मित्रों, होड़ लगी हुई थी कल कांग्रेसियों के अंदर, कौन कितना झूठ बोल सकता है। एक बात बार बार कल जीतू पटवारी जी ने सदन में कही, जो उन्होंने आखिरी बयान दिया था वो मैं उसकी चार लाइन आपको पढ़ के सुनाता हूं। वैसे ये सदन की प्रॉपर्टी है, आप लोग भी ले सकते हैं सदन से। जीतू पटवारी, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह पटल पर रखना चाहता हूं जिसे मुझे आपके जनसंपर्क विभाग से बीजेपी का 90 बार भोजन कार्यालय में हुआ, बीजेपी कार्यालय ही लिखा हुआ, अधिकारियों के साइन से दिया हुआ, अगर यह नकली हो तो मेरी सदस्यता निरस्त की जाए। इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता। आप देखिए, ये परिपत्र उन्होंने लहराया सदन के अंदर, ये था वो कॉपी जो लहरा रहे थे, जो रिकॉर्ड में भी है। इसमें स्पष्ट जवाब में परिशिष्ट आ और परिशिष्ट बा लिखा है। ये परिशिष्ट आ लहरा रहे थे, परिशिष्ट बा के अंदर स्पष्ट रूप से उसका भुगतान का पूरा बीजेपी के द्वारा लिखा गया है। ये तब लिखा गया है जब जीतू पटवारी मंत्री थे, उनकी सरकार थी, ये तब का प्रश्न है, तब की प्रश्नोत्तरी है। उन्होंने अपनी सरकार से भाजपा को बदनाम करने के लिए ये उत्तर उस समय का दिलवाया, क्योंकि 131 करोड़ का जनसंपर्क का घोटाला कमलनाथ जी की सरकार के समय हुआ था, उसको बाइफरकेट करने के लिए, विषयांतर करने के लिए भी एक प्रयास था। ये उनकी सरकार का सवाल था, उनकी सरकार के जवाब के होते हुए भी जनसंपर्क इस सवाल के अंदर बीजेपी तो कहीं से थी नहीं, लेकिन सवाल में बीजेपी पूछा गया। इससे आप सोचिए, उनकी सरकार में बीजेपी पूछने का क्या तुक था, लेकिन भाजपा को बदनाम करने का एक षड्यंत्र था। और उसमें उन्होंने ये स्पष्ट रूप से फंसे इसलिए कि जनसंपर्क विभाग ने जानकारी निरंक लिख दी, जीएडी ने जानकारी निरंक लिख दी, उनने कहा कि हम इस तरह की कोई जानकारी नहीं है। ये होटल पलाश जो है उसके होटलों के बिल थे और उनने पूरे के पूरे बिल भिजवा दिए। होटल पलाश में तो सभी का ऑर्डर जाता है, सरकारी का, पार्टी का भी जाता है, और पार्टी की पूरी रसीदें हैं और इसमें लिखा हुआ है नाम सहित सबका। यह भी सदन की प्रॉपर्टी है, परिशिष्ट बा जरूर ले लें और परिशिष्ट बा आप जरूर देखें। स्थिति यह हुई सदन की कि पहले तो ड्राइवर गायब हुआ कमलनाथ जी, फिर कंडक्टर गायब हुए, चूंकि उनके परिवार का विषय अलग था, लेकिन दोनों के दोनों लोग चले गए और लोग अपने नंबर बढ़ाने के चक्कर में पूरी बस को ही खड्डे में उतार दिया उन्होंने। और इसलिए हमने तय किया है कि इस पूरे के पूरे उसके लिए जीतू पटवारी जी के झूठ बोलने में सदन का उपयोग करने के लिए, उनके झूठ बोलने में अपने आप को महिमामंडित करने के लिए, उनके झूठ बोलने में भाजपा को बदनाम करने के लिए, उनके झूठ बोलने में हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए, हम अपने विधायकों से प्रश्न और संदर्भ समिति में विधानसभा अध्यक्ष को इनकी शिकायत दिलवाएंगे और कार्रवाई की मांग उस पर हम करेंगे। इस पर हम आगे जाएंगे, इस तरह से इनको नहीं छोड़ा जाएगा। जिस तरह से वो हर बार पहले भी इस तरह का झूठ बोल करके, आधी अधूरी जान करके, दस्तावेजों को लहराकर, ऐसे ऐसे कपलेट का हाथ घुमाकर ये इस तरह से कर चुके हैं, और इसलिए हम सब इसको लेके जाएंगे जी प्रश्न और संदर्भ समिति में। इनके खिलाफ जो भी कार्रवाई हो सकती होगी वो करेंगे, पार्टी अलग इस बारे में विचार करे। नहीं, आराम से एक एक करके पूछे, सबके जवाब दूंगा, जाऊंगा नहीं बिना जवाब दिए।
उसके बारे में विचार कर रहे हैं। मैं अभी आपके सामने मांग रहा हूं कि वो स्वयं आए, हमने अपने प्रमाण रख दिए प्रेस के सामने, वो भी प्रेस के सामने आ जाए परिशिष्ट बा को लेके, जो उनके प्रश्न में आ और बा जानकारी लिखी गई है, इन्होंने आ को लहराया है, ये आ और बा लिखा है, पर्यटन विभाग परिशिष्ट आ परिशिष्ट बा, इसको लेके आ जाए ना। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा मीडिया के बंधुओं से कि इस तरह के जो झूठे लोग होते हैं, इस तरह के जो फरेबी लोग होते हैं, इस तरह के लोगों पर आपको भी इनके चेहरों से नकाब उठाना चाहिए। कांग्रेस सिर्फ भ्रम का और झूठ का सहारा लेकर राजनीति में है, आज उनके कोई भी नेता चल तो पाते नहीं। सर सरकार थी जिस विभाग के अधिकारी ने जानकारी दी क्या उस पर भी कार्रवाई होगी आप करें कांग्रेस के द्वारा, कांग्रेस सरकार थी जब ये आया? सारे तथ्य ये भी और जो आपने पूछा अग्निहोत्री जी ने वो भी, ये सब जांच के बिंदु है और इन सब पे गलत आने पे कार्रवाई होगी। बीजेपी संगठन भी निश्चित रूप से आपके सामने आके बात करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। और हो गया, बताएंगे ना वो भी, अभी विषयांतर ना करें। ये आज संगठन आपको स्वयं बताएंगे, संगठन के लोग, मैं विधानसभा की ओर से आया हूं, मुख्य सचेतक की हैसियत से आया हूं। तो ये थे नरोत्तम मिश्रा जो फिलहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तो जीतू पटवारी के लगाए आरोपों पर सरकार का जवाब देते हुए नरोत्तम मिश्रा भी सामने आए। दरअसल कल सदन में हंगामेदार कार्रवाई देखने को मिली थी और ऐसे में सदन में जीतू पटवारी ने कागज लहराकर सरकार पर आरोप भी लगाए थे। सरकार पर कई आरोप लगाए गए थे जिसके आरोपों के जवाब देते हुए नरोत्तम मिश्रा यहां नजर आए। लगातार हंगामेदार सदन की कार्रवाई देखने को मिली थी, ऐसे में सदन के बाद विधायक दल की बैठक भी बुलाई गई थी और सरकार पे कई आरोप भी जीतू पटवारी की तरफ से लगाए गए थे। जीतू पटवारी इस दौरान कागज लहराते हुए सरकार पर आरोप लगाते हुए नजर आए थे, जिसके बाद संसदीय कार्य मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जहां आरोपों के जवाब देते हुए वो नजर आ रहे थे। तो कमलनाथ सरकार ने इसे सरकारी भुगतान बताया था, ऐसा कहना था जीतू पटवारी का। आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा था कि सीएम आवास में राजनीतिक कार्यक्रम का पैसा बीजेपी ने दिया, लेकिन कमलनाथ सरकार ने इसे सरकारी भुगतान बताया। तो अब इसका जवाब देखते हुए भी डॉ नरोत्तम मिश्रा नजर आ रहे थे, जिनका कहना था कि अविश्वास प्रस्ताव पूरी तरीके से उसमें कोई विश्वास नहीं था, बेबुनियादी था और ऐसे में हंगामेदार सदन तो नजर आया ही था लेकिन आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला अभी भी लगातार जारी है। तो जीतू पटवारी के लगाए आरोपों का सरकार ने अब जवाब दे दिया है। संसदीय कार्य मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और इस दौरान लगे आरोपों का जवाब देते हुए भी नजर आ रहे थे। सदन में कार्यवाही हंगामेदार रही थी और ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव पर देर रात तक चर्चा भी चली थी, जिसके बाद अगले दिन सीएम शिवराज सिंह चौहान संबोधित करते हुए वक्तव्य देते हुए नजर आए थे और ऐसे में कई आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी देखने को मिला था जो अभी भी जारी है। जीतू पटवारी की तरफ से भी सरकार पर कई आरोप लगाए गए थे और अब संसदीय कार्य मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने भी करारा जवाब दिया है और पूरे मामले को बेबुनियादी बताया है। तो सदन में जीतू पटवारी दरअसल कागज लहराते हुए सरकार पर आरोप लगाते हुए नजर आए थे, ऐसे में उनका कहना था कि सीएम आवास में राजनीतिक कार्यक्रम का पैसा बीजेपी ने दिया लेकिन कमलनाथ सरकार ने इसका सरकारी भुगतान किया है। और चलिए इस खबर पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी जुड़ गए, उनसे बातचीत कर लेते हैं। मनोज जी, सदन की कार्यवाही बेहद ही हंगामेदार रही थी, उसके बाद तुरंत ही विधायक दल की बैठक भी बुलाई गई, आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला था वो लगातार देखने को मिला और अभी भी जारी है। देखिए, बड़ी बात यह है कि इस पूरी विधानसभा में निश्चित रूप से एक तो अच्छी बात यह कि सत्र बड़ा लंबा चला था, लेकिन सत्र के दौरान कुछ ऐसी चीजें आ गई जो बाद में विवाद में पड़ गया और एक तरह से सरकार को भी अपना पक्ष रखने सामने आना पड़ा है।
जीतू पटवारी ने एक आरोप लगाया था जिसमें यह कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी के पैसों से चाय उपलब्ध कराई गई और चाय की बकायदा कीमत भी बताई गई 500 रुपए, और वो पूरा दस्तावेज पर्यटन के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। आ और बा दो कालम जैसा डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा बता रहे थे उसमें उसको बताया गया। इसी बात को लेकर अब सरकार की तरफ से डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा खुद संसदीय कार्य मंत्री है तो वो सामने आया, उन्होंने कहा कि झूठे आरोप है और ये इस बात की पुष्टि नहीं करता है। उन्होंने चैलेंज दिया है जीतू पटवारी को कि वे सामने आए और मुझसे बात करें। कमलनाथ और उनके लोग जिस तरह से झूठा एक मैसेज देना चाहते जनता के बीच में वो साबित करके दिखाए, क्योंकि जो पैसा दिया गया था वो अपने पास से दिया गया है, सीएम हाउस में जो चाय पिलाई गई है वो अलग मुद्दा है, तो उसको लेकर आज सरकार को सामने आना पड़ा है। लेकिन इतना जरूर है अब ये पूरा मुद्दा गरमाता हुआ नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं जिस तरह से आरोप लगाए, क्योंकि 2023 का चुनाव सामने है, आरोप प्रत्यारोप के दौर भी चलेंगे और एक एक आरोप पर जनता भी देख रही है, ये सरकार को भी समझना है और विपक्ष को भी समझना है, तो हमें लगता है अब सियासत दूसरी दिशा में जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन जिस तरह नरोत्तम मिश्रा ने कहा है उससे समझा जा सकता है कि शायद जीतू पटवारी की मुश्किलें बढ़े। ठीक कहा मनोज जी आपने, जीतू पटवारी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आ और बा का कॉलम तैयार किया गया था और आरोपों का जवाब देने के लिए अब सरकार को दोबारा सामने आना पड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए।